देखिए, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रुझान भी आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का अपने आकलन थे और जो हमें उम्मीद थी, हमने बार बार कहा है कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और जो रुझान आए हैं पहले एक घंटे के या डेढ़ घंटे के, उसमें साफ तौर पे उसी दिशा में ये जाता दिख रहा है। जो कांग्रेस पार्टी का जिला वाइज अपना एक आकलन था, असेसमेंट थी, रुझान उसी दिशा में हर जिला में वैसे ही दिखते जा रहे हैं। कितना आपने क्या आकलन किया है? हमारा बड़ा साफ था कि इतने एग्जिट पोल आए, बड़ा कांटे की टक्कर बताई गई, लेकिन उसके बावजूद हम पूरे कॉन्फिडेंट थे कि हम 42 सीट तक आराम से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करें। अभी जो रुझान आ रहा है, अभी तो देखो, इट्स टू अर्ली, अभी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेगी। अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, कुछ ऐसा है हिमाचल में, कुछ रीजनल होता है, रीजन वाइज कंजेंसीज होती है कि कई जगह जो है ऐसे रीजन होते हैं जहां अभी भाजपा के लोग थोड़े आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और भी, तो मुझे लगता है कि स्थिति और अच्छी होने की उम्मीद, मुझे लगता है कि 42 से कम तो कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में रहने वाली नहीं। सरकार बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, एक बड़ा साफ सुथरा प्रोसीजर रहा है 70 साल से, बहुत राज्यों में चीफ मिनिस्टर बने हैं, चुने हुए लोग जो विधायक आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया है, हरियाणा के सीनियर लीडर भूपिंदर सिंह हुड्डा जी है जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको यहाँ ऑब्जर्वर्स के तौर पे भेजा गया, और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और राजीव शुक्ला जी जो हमारे इंचार्ज हैं, ये सभी लोग आके जो है बातचीत करेंगे, जो चुने हुए लोग होंगे उनकी राय मशवरा ली जाएगी और पार्टी हाईकमान उसके बाद फैसला करेगा। देखिए, आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल होने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी से यहाँ लोग समर्थन देने वाले। देखिए, बात यह है कि 5 साल की जो सरकार थी भाजपा की, वो पूरी तरह से फेल रही है, हर वर्ग के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उसके बाद जो हिमाचल का चुनाव जब भी होता है लोकल मुद्दों पे होता है, हिमाचल प्रदेश के किस वर्ग के क्या मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा ने प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी जी को फेस बनाया जाए और राष्ट्रीय मुद्दों पे इस चुनाव को लड़ने का प्रयास किया। मुझे लगता है वो फेल हुए हैं और डिलीवर करने में 5 साल इनकी सरकार फेल रही थी। क्या लगता है कि रिवाज वही रहा, जो पहले रिवाज चलता, रिवाज वही रहेगा और सरकार इनकी बदलेगी। जो आपका GST का रेट था, जो पेटियों का रेट था, उस पर बढ़ाया, GST बढ़ाया गया, तो बागवानों में रोष था, किसानों में रोष था, और दूसरा जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, सबसे अहम जो रोल यहाँ पर दिखाएगा वो कर्मचारी वर्ग का होगा। कर्मचारी वर्ग की जो मांगे थी वो उनकी मांगों को ठुकराया गया, उनके आंदोलन को कुचला गया, तो ये बहुत बड़ा रोल जो है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग निभाएगा। हमने कहा है, हम जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं तो हमें मालूम है, क्योंकि जहां जहां जिस तरह से प्रचार हुआ, जो लोगों का हमें सहयोग यहां पर मिला, समर्थन मिल रहा है, तो हम अवश्य 40 से पार यहां पर आंकड़ा जो है तय करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी। देखिए, ये मेरे डोमेन में नहीं आता है, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, ये आलाकमान को तय करना है और वरिष्ठ नेताओं को आपस में बैठकर तय करना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने आपको कहा कि भी बिल्कुल, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो ये निर्णय होगा, प्रदेश की जनता का है, कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनेगी तो पूरे देश में जो है इसमें कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा, एक अच्छा माहौल जो है कांग्रेस पार्टी के हक में यहाँ से बनेगा। हिमाचल में बिल्कुल कांटे की टक्कर लग रही है, कोई कांटे की टक्कर नहीं, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे हमारी स्थिति और मजबूत होगी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।